प्लस वन डी क्लास बेटे हिस्ट्री वाले बच्चे बेटे गुड आफ्टरनून बेटा, आज हम पाठ 11 का गुरु नानक देव जी और सिख धर्म की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम करेंगे गुरु नानक देव जी कौन थे और उनकी मुख्य शिक्षाएं। तो गुरु नानक देव जी जो हैं सिख धर्म के जो हैं स्थापना करने वाले थे, सिख धर्म की स्थापना करने वाले थे ना, सिख धर्म की उत्पत्ति के स्रोता जो उत्पत्ति के आश्रय जो है उनके सिर जाता है और सिखों के पहले गुरु थे, ठीक है। और इनका लोगों के जो इनकी शिक्षाएं हैं उनका लोगों के मनों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। तो उनकी सबसे पहले शिक्षा है परमात्मा एक है, ठीक है। गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में बार बार परमात्मा के एक होने पर बल देते हैं। उनके अनुसार परमात्मा ही संसार को रचने वाला, पालन पोषण तथा उसका संहार करने वाला है। देवी देवता सैकड़ों तथा हजारों हैं परंतु परमात्मा एक है। परमात्मा को हरि, गोपाल, अल्लाह, खुदा, राम तथा साहिब आदि के नाम से पुकारा जाता है। नंबर दो, निर्गुण और सुगुण, ठीक है। परमात्मा के दो रूप हैं, वह निर्गुण भी है और सगुण भी। पहले जब परमात्मा ने पृथ्वी तथा आकाश की रचना नहीं की थी तो वह अपने आप में ही रहता था, ये परमात्मा का निर्गुण स्वरूप था। फिर परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, इस रचना द्वारा परमात्मा ने स्वयं को रूपमान किया, वह परमात्मा का सगुण स्वरूप था। सर्वशक्तिमान, गुरु नानक देव जी के अनुसार परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वह तो चाहता है, जो चाहता है वही होता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। यदि परमात्मा की इच्छा हो तो वह भिक्षु को भी सिंहासन पर बैठा सकता है और राजा को रंक बना सकता है। नंबर चार है नाम और शब्द। गुरु नानक देव जी नाम जपने तथा शब्द की आराधना को प्रभु भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप मानते थे। इन पर चलकर मनुष्य रोगग्रस्त अथवा कष्ट भरे जो संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ठीक है बेटा। परमात्मा के नाम के बिना मनुष्य का इस संसार में आना व्यर्थ है। परमात्मा के नाम का जाप शुद्ध हृदय से एवं श्रद्धा भाव से जो है हमें करना चाहिए। फिर है गुरु का महत्व। तो गुरु नानक देव जी ने परमात्मा तक पहुंचने के लिए गुरु